हेलो स्टूडेंट, आई एम संदीप सिंह, योर असिस्टेंट टीचर, एंड दिस इज चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 17। डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट इन द प्रीवियस चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आल्सो, आई हैव आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट and also transport, means of transport in India. In this previous video, I have already about roadways, how many types of roadways. You have also know that there are 2-3 types of road: national highways, state highway, and also the next is expressway. Okay, and next topic is railways. You have also taught that there are 2 types of railways: goods train and passenger trains. In passenger train, many people's passengers are going to one place to another, and goods train, there are many goods like food grains, coal, petroleum are sent or laid down to one place to another. Now we will explain about today I am going to explain about airways. Airways are the fastest and most expensive mode of transport. All major cities have an airport. Despite being expensive, the number of people traveling by air increasing day by day. Okay, airways transport जो है वो सबसे तेज और मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब होता है सबसे ज़्यादा महंगा या खर्चीला साधन है, जो देश के बहुत कुछ मुख्य शहर जैसे लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी, जयपुर, बेंगलोर, ये जो शहर हैं इसमें एयरपोर्ट होते हैं और ये सभी आपस में एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़े रहते हैं। Despite being expensive, the number of people traveling by air increasing day by day. हालांकि ये सबसे महंगा होने के बावजूद भी एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा लोगों का ट्रैवलिंग करना धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो है सबसे सुलभ साधन होता है और जल्दी से पहुंचाने वाला साधन होता है। इस कारण से लोग जल्दी इसको प्रायोरिटी देते हैं। They are also used to transport mail and relief items such as food, medicine, water and other aid material during the time of natural calamities. Air transport के द्वारा helicopter और aeroplane से passenger भी ले जाते हैं, साथ ही साथ कभी भी कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो वहाँ पर भोजन, दवाएं या पानी पहुँचाने के लिए या कुछ ऐसी सहायता चीज़ों को पहुँचाने के लिए जल्दी से जल्दी एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है, जिसमें एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बाकी जगहों पर कनेक्टिविटी टूट जाने से और जल्दी पहुँचाने के लिए जो सबसे सुलभ साधन होता है वो एयर ट्रांसपोर्ट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एयरलाइंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। इंडिया में 2 तरह की एयरलाइंस काम करती है, डोमेस्टिक एयरलाइंस और इंटरनेशनल एयरलाइंस, यानी जो एयरवेज सेवाएं देती है उसको एयरलाइन बोलते हैं। तो भारत में 2 तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, डोमेस्टिक यानी जो देश के अंदर सर्विस दी जाती है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल यानी अपने देश से विदेशों के लिए जो फ्लाइट होती है उसको हम इंटरनेशनल एयरलाइंस बोलते हैं। द डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरी पैसेंजर एंड कार्गो विद इन द कंट्री। डोमेस्टिक एयरलाइंस में पैसेंजर या सामान को एक अपने देश के अंदर भेजा जाता है, उसको हम डोमेस्टिक एयरलाइंस यानी घरेलू सेवा बोलते हैं। द इंटरनेशनल एयरलाइंस कैरी पीपुल एंड कार्गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ऑल मेजर सिटीज हैव इंडिया हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी देश में या विदेशों से जो सामान या मंगाए या भेजे जाते हैं या यात्री जाते हैं आते हैं वह जो होता है इंटरनेशनल एयरलाइंस होता है। भारत के कुछ मुख्य शहर ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटरवेज। शिप, बोट्स,
yachts and steamers are different mode of water transport. India has many rivers, lake canals and long coastlines that facilitate use of waterways. Water transport में जो ज़्यादातर use किए जाते हैं ship हो गया, boat, नाव, yacht या steamer, ये सब जो है water transport के mode है, जो प्रकार हैं। भारत में अगर हम देखें तो बहुत सारे नदियाँ बहती हैं, बहुत सारे झीलें हैं, बहुत सारे नहर भी बनाए गए हैं, और साथ ही साथ भारत की स्थिति ऐसी है कि इसके साथ समुद्री सीमा बहुत ज़्यादा छोटी है, जो लॉन्ग कोस्ट लाइन भी बनते हैं। ओके, वाटरवेज आर चीपेस्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे सस्ता साधन होता है ट्रांसपोर्ट का। दे आर सुटेबल फॉर कैरिंग बल्की गुड। वाटर ट्रांसपोर्ट इसलिए सस्ता होता है कि यहाँ पर हम बल्कि गुड मतलब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक ही बार ले जाया जा सकता है। टूडे पैसेंजर शिप्स कॉल्ड लाइनर्स। इसके अलावा सामान ढोने के अलावा कुछ पैसेंजर को जहाज़ों यात्रियों को भी ले जाने की सुविधा होती है, उसको हम लाइनर बोलते हैं। बिग कार्गो कैरीज एंड ऑयल टैंकर कैरी फूड ग्रेन्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं, कार्गो शिप होते हैं, उसमें हम बहुत सारा सामान या ऑयल टैंकर के द्वारा पेट्रोलियम एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करते हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 10 मेजर पोर्ट्स एंड सेवरल स्मार्ट पोर्ट्स। भारत में कुछ 10 मुख्य पोर्ट है, जैसे कि उसमें से कुछ मुख्य पोर्ट मुंबई, कांडला, नावाशेवा, कोचीन, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हल्दिया, पारादीप, ये सब जो है मुख्य है, क्या है, पोर्ट है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और भी पोर्ट बनाए गए हैं। इम्पॉर्टेंट पोर्ट सच एज मुंबई, कोची, कोलकाता एंड चेन्नई, ये जो है मुख्य पोर्ट है। हैंडल द मेजर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। नेचुरली जो है मुंबई भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। अब आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? वी शेयर आवर थाट्स एंड फीलिंग विथ वन एंड अदर। हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। फॉर दिस वी लिसन, स्पीक एंड शेयर आइडियाज। कम्युनिकेशन में हम दो तीन चीज़ें करते हैं, जैसे लिसन, बातों को सुनते हैं, बोलते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल इन इंडिया। भारत में बहुत तरह के कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं, जैसे कि मीन्स ऑफ दो तरह के होते हैं, एक होता है मास कम्युनिकेशन, ये मुख्य कम्युनिकेशन है, और दूसरा होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो पहले हम देखते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। और इसमें जो साधन यूज़ किए जाते हैं उसको हम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन बोले जाते हैं, जैसे टेलीफोन, टेलीफोन से दो व्यक्ति आपस में ही बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा पोस्टल सिस्टम, ये सब जो है क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन है। पोस्टल सर्विस प्रोवाइड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। भारत में सबसे पुराना जो कम्युनिकेशन साधन है वो है पोस्टल सर्विस है, जो सबसे सस्ता भी है। इन दिस इंक्लूड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड पार्सल। इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, पत्र भेजे जाते हैं, पोस्ट कार्ड भेजे जाते हैं और पार्सल। द स्पीड पोस्ट इज यूज टू सेंड मैसेज एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फास्टर। पोस्टल सर्विस में एक सर्विस होती है स्पीड पोस्ट, जिसके माध्यम से हम कोई मैसेज जल्दी से, इम्पॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो तो उसके द्वारा हम जल्दी से भेज लेते हैं। ओके, टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन आर एमंग द
फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा जल्दी साधनों में जो टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन है वो सबसे तेज़ साधन है, इससे हमें कुछ ही सेकंडों में हम कहीं लाखों किलोमीटर दूर व्यक्ति से हम बात कर लेते हैं। किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति होता है उसके द्वारा हम बातचीत कर लेते हैं। ओके, टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन आर एमंग द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन टॉक एनीबॉडी इन द कंट्री एंड इवन आउटसाइड इन इंस्टेंट। इन इंडिया द एसटीडी फैसिलिटी लेट अस वन टॉक समवन अनदर, व्हाइल द आईएसडी फैसिलिटी लेट वन टॉक टू अदर आउटसाइड कंट्री। भारत में जो टेलीफोन सेवाएं काम करती हैं वो दो तरह से काम करती हैं। पहला होता है एसटीडी, पहला क्या होता है ध्यान देंगे यहाँ पर एसटीडी, दूसरा होता है आईएसडी। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ओके, क्या होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम देश के अंदर बात करते हैं तो वह एसटीडी कॉल होती है, आईएसडी कॉल इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। दूसरा क्या है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ओके, तो ये दूसरे देश में हम जब बात करते हैं आईएसडी कॉल होती है। मोबाइल फोन कैन कैरी इट एनीवेयर। मोबाइल फोन चूंकि टेलीफोन में क्या होता है वो तार से जुड़े होते हैं, उसको हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले सकते हैं, जबकि मोबाइल फोन हम अपने जेब में रख करके कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये तार से जुड़ा नहीं होता। वी कैन ऑल्सो सेंड शॉर्ट रिटन मैसेज थ्रू आउट मोबाइल फ़ोन यूजिंग द SMS। यानी मोबाइल फ़ोन के द्वारा ना केवल हम कॉल करते हैं बल्कि इसके द्वारा हम छोटे से मैसेज यानी जिसको हम SMS बोलते हैं, क्या बोलते हैं SMS। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। इसके द्वारा हम कहीं भी मैसेज को भी भेज सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।